खालिद बिन वलीद को सुना होगा, बतले जलील सिपह सालारे इस्लाम सैफुल्लाहिल मसलून, रसूलुल्लाह के वो चहेते सहाबी जिसको खुद मेरे आका ने अल्लाह की तलवार कहा। आपको पता है खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी? 125 जंगें लड़ी, 125 जंगें। तुम उतना खेले भी नहीं होगे मैदान में, वो जंगों में शिरकत कर चुके हैं। जंग का मतलब समझते हो, जान हथेली पर लेकर जाना, कब कहां से तीर आ जाए, कब कहां से तलवार चल पड़े और गर्दन कट जाए। खालिद बिन वलीद खुद कहते हैं, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर ना लगा हो, जख्म ना आए हो पूरे जिस्म पर। और मालूम है आपको, वो जो तलवार उठाते थे उनकी तलवार का एक हाथ का जो उनकी तलवार का वजन था 35 किलो का था। और वो मैदान में जब अड़े रह जाते, जंगे मौता एक जंग ऐसी है जिसके मुतालिक खुद खालिद बिन वलीद कहते हैं, एक दिन में सुबह से शाम तक मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें टूटी, लेकिन मैदान से हटे नहीं। उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं जिसने जिंदगी में 125 जंगें लड़ी और कभी शिकस्त नहीं खाई, कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा फतह और परचम इस्लाम लहरा कर आते रहे। एक जंग में उनके साथ एक मामला हुआ, उनकी टोपी, उनका अमामा मैदान में गिर गया। लड़ते लड़ते 4 बड़े बड़े पहलवान उनके सर पर सवार थे, दुश्मनाने इस्लाम, तलवार गर्दन के करीब थी, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उस तलवार की तरफ जरा बराबर नजर नहीं की, तवज्जो नहीं किया, अपने अमामा उठाने और अपनी टोपी उठाने के लिए चल पड़े। जंग के मैदान में कोई गर्दन पर तलवार लेकर खड़ा हो, अपना डिफेंस करना चाहिए, अपना बचने की रास्ते देखने चाहिए, ना कि टोपी कपड़ा चप्पल देखें। जंग के उसूल तो ये हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद अपना मामा उठाने के लिए चल पड़े, उठाया, चूमा और फिर रख लिया। जो खड़े थे दुश्मन वो देखते रह गए, पूछा कि तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जो सिपह सालार इस्लाम? कहा मैं हूं। कहा ये ऐसी हरकत तुमने आज की, एक आम फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत, आम सिपाही भी नहीं करता, ऐन जंग के वक्त जब दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा हो तुम अपनी टोपी उठाने जा रहे हो, अपने अमामा उठाने जा रहे हो। खालिद बिन वलीद ने कहा, नादानो तुम समझते नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ टोपी नहीं है, ये मेरा सिर्फ अमामा नहीं, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि खालिद बिन वलीद ने बेवकूफी की? बात दर हकीकत ये है कि मैं इस अमामे को उठाने के लिए इसलिए चल पड़ा कि इस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुए मुबारक रखे हुए हैं। मेरा विजदान ये है, मेरा यकीन ये है। खालिद कहते हैं, मैं अपनी ताकत और कुव्वत के बलबोते फतह नहीं करता, मुझे जो फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुए मुबारक की बरकत से।